नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सरहद पर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हमारी बहादुर फौज को, हमारे जाबाज अफसरों को कैसी कैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, किस किस से लड़ना पड़ता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सरहद पर साजो सामान वक्त पर पहुंच जाए, इसके लिए सेना को अदालत में केस लड़ना पड़ रहा है? क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि दुश्मन को चुनौती देने के लिए, सीमा तक पहुंचने के लिए, अगर फौज को अच्छी सड़क चाहिए तो उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है? क्या आप ये मान सकते हैं कि आर्मी को कुछ लोग अदालत में यह कहकर रोकना चाहते हैं कि रास्ते के कुछ पेड़ हमारी सरजमी की सुरक्षा से ज्यादा कीमती हैं? फौज को कहना पड़ता है कि पेड़ों के कारण रास्ता मत रोकिए, दुश्मन सरहद के उस पार जम चुका है, पूरी तैयारी के साथ आया है और हमारी फौज कोर्ट से रास्ता बनाने के लिए कुछ पेड़ काटने की परमिशन मांग रही है। हमारी फौज को 5.5 मीटर की सड़क को 10.5 मीटर चौड़ा करने के लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है। हो सकता है आपको इस पर यकीन ना हो, आप पूछें ऐसा कैसे हो सकता है, जब सवाल देश की सुरक्षा का है तो कौन हमारी फौज को रोक सकता है? लेकिन यह सही है, हमारे देश में यह हो रहा है। मामला आर्मी के मॉडर्नाइजेशन का हो, बात आर्मी को सोफिस्टिकेटेड वेपन्स देने की हो, मामला सरहद पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का हो, या फिर आर्मी के मूवमेंट को और तेज करने के लिए सड़कें चौड़ी करने का हो, सड़कें बनाने का हो, हर मामले में कोई ना कोई कोर्ट पहुंच जाता है। कोई व्यवस्था का सवाल उठाता है, कोई नियमों का हवाला देता है और कोई पर्यावरण को मुद्दा बनाकर फौज का रास्ता रोक देता है। कोर्ट भी सारी पार्टियों को सुने बिना फैसला नहीं कर सकती। कई बार तो सालों साल तक मामला कोर्ट में चलता रहता है, तारीख पर तारीख मिलती रहती है। और आज ये बात करने की एक बड़ी वजह मेरे पास में है। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की जिरह हो रही थी, उसे सुनकर हैरानी हुई। हमारी फौज चीन के साथ लगते हुए बॉर्डर तक अच्छी और चौड़ी सड़क बनाना चाहती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहती है जिससे फोर्स को तेजी से मूव किया जा सके, अगर चीन कोई गड़बड़ी करे तो रीइंफोर्समेंट तुरंत भेजा जा सके। लेकिन कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट में दलील दी गई कि सड़कों को चौड़ा करने से कुछ पेड़ कटेंगे, पर्यावरण को भारी नुकसान होगा, इसलिए सड़क को चौड़ा करने की परमिशन न दी जाए। यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने है, जज साहिबान मामले की गंभीरता को समझते हैं, यह बात कितनी सेंसिटिव है अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया ऐसी है, सबकी बात सुननी पड़ती है, हर पक्ष को वक्त देना पड़ता है, हर पहलू पर विचार करना होता है और इसमें टाइम लगता है। चिंता की बात यह है कि इस दौरान चीन ने सरहद के उस पार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, मजबूत सड़कें बना ली हैं, लेकिन हमारी फौज के सामने कोर्ट में केस का रोड ब्लॉक है। असल में उत्तराखंड में इंडो चाइना बॉर्डर यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास जबरदस्त हलचल है। चीन अपनी तरफ तेजी से काम कर रहा है, सैनिकों की तैनाती लगातार बढ़ाता जा रहा है। हमारी फौज भी दुश्मन को जवाब देने के लिए तैयार है, हमारी आर्मी भी बॉर्डर एरिया में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है और सरकार भी सेना की पूरी मदद कर रही है। लेकिन मुश्किल यह है कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला कोर्ट में पहुंच गया। कुछ लोगों को देश की सुरक्षा से ज्यादा पर्यावरण की चिंता है, इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी। उसी पिटीशन पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी। सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह अर्जी लगाई गई है कि चार धाम प्रोजेक्ट में बनी सड़कें चौड़ी करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि यह सड़क सरहद तक जाती है और कम चौड़ी सड़क पर सेना की गाड़ियों का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल दलील दे रहे थे कि जिस सड़क को चौड़ा करने का विरोध हो रहा है वो सड़क सेना के लिए स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है। यह सड़क उत्तराखंड में भारत के आखिरी गांव माना तक जाती है। अगर चीन ने कुछ गड़बड़ की तो सेना का साजो सामान सरहद तक जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए यह सबसे छोटा और सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, इसलिए सड़क को चौड़ा करना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि बॉर्डर पर चीन ने जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी है, उसने बड़ी तादाद में सैनिक और हथियार तैनात कर दिए हैं, ऐसे में भारत को भी मिरर डिप्लॉयमेंट की जरूरत है, मतलब चीन के बराबर की मोर्चेबंदी करनी है। अदालत ने पूछा इसमें दिक्कत क्या है,
तब अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट का ही एक ऑर्डर रास्ता रोक कर खड़ा है। इस ऑर्डर के आधार पर पिटीशन फाइल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने ऑर्डर के तहत चार धाम प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई 5.5 मीटर तक हो सकती है। सेना सड़क की चौड़ाई 10.5 मीटर करना चाहती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से अपने पुराने ऑर्डर की जगह नया ऑर्डर पास कराने की दरख्वास्त दी गई है। लेकिन जिस एनजीओ की तरफ से पिटीशन फाइल की गई है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि सड़क को चौड़ा करने से एनवायरमेंट को भारी नुकसान होगा, बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाएंगे, इसलिए सड़क चौड़ी करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अदालत में आर्मी की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने चीन के साथ हुई 1962 की जंग का हवाला दिया। कहा 62 के वॉर में इंडिया इसलिए हारा था क्योंकि हम अपने सैनिकों को तेजी से बॉर्डर तक नहीं पहुंचा पाए थे। सीमा तक अच्छी सड़कें नहीं थी, भारी गाड़ियों को ले जाने के लिए रास्ता ही नहीं था। हमारे सोल्जर्स को पहाड़ों पर लंबी चढ़ाई करके बॉर्डर पर पहुंचना पड़ता था। केके वेणुगोपाल ने आज कहा कि इंडिया अब ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत है जिससे हम चीन का मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार रहे। इसलिए उत्तराखंड में चार धाम प्रोजेक्ट के लिए बन रही कुछ सड़कें चौड़ी करनी बहुत जरूरी है। इसके बारे में हमारे संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे ने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी से बात की। गडकरी ने बताया कि 825 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, 600 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ 200 किलोमीटर की बात है, उसको लेकर मामला कोर्ट में है। रक्षा मंत्रालय ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, सरहद का हाल बताया है। अब अदालत सब कुछ समझने के बाद जो भी फैसला लेगी सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। 670 किलोमीटर का काम लगभग हमने कर लिया है। ये आपको पता होगा कि उत्तराखंड में जो हादसा हुआ, बादल फटा, पहाड़ गिर गई, काफ़ी लोग मर गए, काफ़ी वित्तहानि भी हुई, जीवित हानि भी हुई। ये आइंदा इसके बाद ना हो। और ऑल सीजन यानी अभी 6 महीने लोग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा करते हैं, साल भर जा सके ऐसे रोड बनाने की हमारी कोशिश है। हमने इंटरनेशनल कंसल्टेंट से अध्ययन करते हुए स्विट्ज़रलैंड से बुलाकर, मैं जब मंत्री बना हमने इस हादसे के बाद इसका अध्ययन किया, नया DPR बनाया और प्रोजेक्ट शुरू किया। अब 240 किलोमीटर के क्षेत्र में वो रोड की विड्थ के बारे में प्रश्न कुछ खड़े हुए हैं, कुछ एनवायरनमेंट वालों ने कोर्ट में केस लेके गए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी वहाँ से लेकर चाइना है, चाइना में अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। अब हमारे को कल अगर रनगाड़ी गाड़ियाँ ट्रक बढ़े जाएंगे, हमारी मशीनरी जाएंगी, तो अगर वो रोड 10 मीटर का होगा तो ही जा पाएंगे, नहीं तो मुश्किलें होगी। तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ से भी इम्पॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट को भी मेंटेन करना है। तो हमने कहा कि हम जितने पेड़ अगर टूटेंगे तो उतने नए पेड़ लगाएंगे, हम ट्रांसप्लांट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम उसमें किसी प्रकार का इन्वायरमेंट का नुकसान ना हो। पर रोड ही नहीं बनाएंगे तो फिर एक तरफ चाइना ने पूरा खड़ा कर दिया सब प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी, और हमारा नहीं होगा तो देश के हित में नहीं होगा। ये सब बातें हमने सन्मान्य सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है और इसमें हियरिंग चल रहा है। अल्टीमेटली जो भी सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी वो करेंगे। और अब स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इतना संवेदनशील विषय है कि इससे ज़्यादा मुझे बोलना उचित नहीं है, पर हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने विशेष रूप से कोर्ट में भी इंटरवीन करके इस बात को अच्छी तरीके से कोर्ट के सामने रखा है। अब देखिए जो कोर्ट जो भी निर्णय करेगा वैसे हम अमल करेंगे। नितिन गडकरी ने साफ साफ शब्दों में समझाया ये सड़क कितनी ज़रूरी है, स्ट्रेटेजिक है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। आज केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने नक्शे पेश किए, सरहद के हालात का जिक्र किया और अदालत ने सेना के कंसर्न को समझा भी, लेकिन असल में ग्राउंड पिक्चर क्या है, जमीनी हालात कैसे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आपको दो तस्वीरें दिखाता हूं, सरहद पर अपने इलाके की और चीन के इलाके की। चीन बड़ी तेजी से अपने बॉर्डर एरिया को डेवलप कर रहा है। चाइना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अपने इलाके में अच्छी सड़कें बना दी हैं, एयरफोर्स के लिए एयर स्ट्रिप्स बना दी हैं, रेलवे लाइन पहुंचा दी है, तिब्बत तक बुलेट ट्रेन दौड़ा दी है, बर्फीले इलाकों में ऑल वेदर रोड्स बनाई हैं। दूसरी तरफ हमारे देश में भी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अच्छी सड़कें बनाई जा रही हैं, टनल बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन चार धाम प्रोजेक्ट के तहत उत्तराखंड में जो सड़कें बननी थी उनका काम अटक गया है क्योंकि मामला कोर्ट में है। हैरानी की बात यह कि चार धाम प्रोजेक्ट को
जो करीब 12,500 करोड़ का है, उसके 85% प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, 85% पर। 9,500 करोड़ के प्रोजेक्ट पास हो चुके हैं, सिर्फ 15% प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कानूनी पचड़ों के चक्कर में लटके हुए हैं। ये बात रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसी साल 4 फरवरी को पार्लियामेंट में कही थी। गडकरी ने उस वक्त कहा था कि इन प्रोजेक्ट्स में सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, सरकार के हाथ बंधे हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि आज भी गडकरी ने कहा कि सरकार पर्यावरण की दुश्मन नहीं है। सड़क सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बन रही, देश भर में हाईवेज बन रहे हैं। बेहतर सड़क के लिए एक पेड़ काटा जाता है तो सरकार उसके बदले में 5 पेड़ लगाती है। सरहद तक सेना का सामान पहुंचाने के लिए अच्छी सड़कों की जरूरत है, सेना की जरूरत के हिसाब से सड़कें बनाना जरूरी है। अगर इसके लिए कुछ पेड़ कटते हैं तो सरकार कई गुना पेड़ लगाकर उसकी भरपाई करेगी। लेकिन सिर्फ पेड़ों के कटने की बात कहकर देश की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता, पर्यावरण के साथ साथ देश की सुरक्षा उतनी ही जरूरी है। इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या गलती हुई है कि उत्तराखंड में गंगा के किनारे पर ही रोड है, इधर नदी है इधर रोड है, तो क्या होता है जब बाढ़ आता है तो पूरा रोड बह जाता है, लोग बह जाते हैं। तो अभी हमने अलाइनमेंट ही नहीं तैयार की है कि जो पानी उसको कुछ नहीं कर सकता, टनल बनाई है तो नेचुरली एक बात है कि वहाँ हिमालय जो है वो थोड़ा सा क्वालिटी वाइज जो आप कह रही है समस्या है, पर हमें विश्वास है कि हम जिस प्रकार के मेजर्स उठा रहे हैं इसमें से ये नहीं होगा। हर जगह पर हम पहाड़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टनल बना रहे, बाहर टनल में खर्चा कर रहे, इतनी टनल बनाकर खर्चा क्यों कर रहे हैं, हम रोड बनाते, पर यही समस्या थी इसलिए टनल भी बना रहे। तो मुझे लगता है इन सब बातों की चिंता इंटरनेशनल कंसल्टेंट से सलाह लेने के बाद हम बना रहे, मुझे लगता है रोड बनने के बाद ये समस्या नहीं रहेगी। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करें और आगे भी करेंगे, और एक बने तक पेड़ को भी हम ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करेंगे, और कटेगा पेड़ तो एक पेड़ के बजाय 5 पेड़ लगाएंगे। और देश में हमारी नीति यही है कि हम रोड के बाजू में, अभी तक हमने इस साल करीब कितने लाख करोड़ हो गए, 60 लाख पेड़ लगाए, और मैंने भी आग्रह किया कि 3 मीटर का पेड़ लगा बड़ा, तो नर्सरी में अवेलेबल नहीं है, और बड़े प्रमाण पर हम लोग इस पर कोशिश करें कि हमारी ग्रीन हाईवे बने। तो मुझे लगता है कि हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करें और डेवलपमेंट भी करें, और दोनों के बीच में एक संतुलन बना के रखें, दोनों का भी महत्व है। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारा कर्तव्य है, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्र के हित में विशेष रूप से स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी संवेदनशील मुद्दा है, उसका भी विचार करना पड़ेगा, और दोनों बातों का संवेदनशीलता के साथ विचार करके ही हम निर्णय करेंगे। हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को उद्ध्वस्त करना ये हमारा मकसद नहीं है। जरा सोचिए, हमारी पार्लियामेंट, हमारी सरकार हिमालय रीजन में सड़क चौड़ी नहीं कर सकती क्योंकि एक एनजीओ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गया। सड़क चौड़ी करने का विरोध क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ पेड़ काटने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ चीन है, हिमालय का बहुत बड़ा हिस्सा चीन में है, क्या चीन को पर्यावरण की चिंता नहीं है? यह सवाल आज सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा, तो पेटिशनर के वकील ने कहा, हां चीन को पर्यावरण की चिंता नहीं है लेकिन हमें तो फिक्र करनी चाहिए। हैरानी की बात यह कि इस तरह की पिटिशन फाइल करने वालों को न सरकार की बात समझ में आती है, न सेना का पक्ष दिखाई देता है, न देश की सुरक्षा की अहमियत समझ में आती है। और अब तो दूसरे मुल्कों के लोग भी चेता रहे हैं कि चीन गड़बड़ी कर रहा है, अमेरिका इसके सबूत दे रहा है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कहा गया कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर ऐसे कई गांव बसा लिए हैं जो ड्यूल यूज वाले हैं। ये तस्वीरें उन चाइनीज विलेज की हैं जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए ने बॉर्डर पर बसाए हैं। ये इंडिया चाइना बॉर्डर के गांव हैं। ये गांव दो तरह के काम आते हैं, एक तो इससे बॉर्डर एरिया पर चाइना का दावा मजबूत होता है, और दूसरा यह कि अगर युद्ध जैसे हालात हों, जंग हो, तो यही गांव चाइना की पीएलए को पोस्ट बनाने का काम भी करेंगे। हमारे यहां विरोधी पार्टियां इन गांव की तस्वीरों के आधार पर दावा कर रही हैं कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा करके गांव बसा लिए, तो इसके बारे में मैंने एक्सपर्ट से जानकारी हासिल की। एक्सपर्ट का कहना है कि ये इलाके तो 1959 से चाइना के कब्जे में है। पीएलए ने 1959 में असम राइफल्स की एक पोस्ट पर अटैक करके उस पर कब्जा कर लिया था, इसे लोंगजू इंसिडेंट कहा जाता है। इसी इलाके में चीन ने गांव बसाए हैं जिससे विवादित इलाकों पर अपना दावा मजबूत कर सके।
चीन की इन्हीं हरकतों का जवाब देने के लिए जरूरी है कि सरहद पर हम भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करें। सेना और सरकार की यही कोशिश है, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़े मसले अदालतों के चक्कर में लटक जाते हैं। इंडिया में डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन चाइना में सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी रूल है। अकेले कम्युनिस्ट पार्टी है और उसके सबसे बड़े नेता शी जिनपिंग है, जिनके किसी फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। सवाल उठाने का मतलब है देशद्रोह। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ही सरकार है, पार्टी ही देश है और सेना भी कम्युनिस्ट पार्टी की ही है। चाइना में तो शी जिनपिंग की राजशाही को लाइफ टाइम बनाने की तैयारी चल रही है। इस समय चीन की राजधानी बीजिंग में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का प्लेनरी सेशन चल रहा है, महाधिवेशन इसे आप कह सकते हैं। इसमें शी जिनपिंग को जिंदगी भर के लिए राष्ट्रपति बनाने की तैयारी की गई है। जब शी जिनपिंग इस मीटिंग में पहुंचे तो वैसी ही तालियां बजती दिखी जैसी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग के लिए बजती रही है। इन तस्वीरों से पता चल जाता है कि चाइना में कैसी तानाशाही है, कैसी व्यवस्था है, जहां बस एक आदमी के आदेश से ही सब कुछ हो जाता है। अभी शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है, वो अब लाइफ टाइम प्रेसिडेंट बनने की तैयारी में है। उन्होंने जो कह दिया वही फाइनल है, फिर चाहे देश का प्रशासन हो या आर्मी से जुड़ा कोई मुद्दा। हमारे देश में लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार कहते हैं कि देखिए चीन की फौज ने बॉर्डर पर क्या क्या बना लिया, सड़कें सरहद तक ले आए, बुलेट ट्रेन पहुंचा दी, गांव बसा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, हम क्या कर रहे हैं। और फिर वो लोग इसकी तुलना भारत से करते हैं, देखो हम कितने पीछे हैं, उनकी सड़कें देखो और हमारी देखो, और हमारी धीमी चाल देखो उनकी तेजी देखो। ये लोग भूल जाते हैं कि चीन और भारत में एक बड़ा फर्क है। हमारे देश में लोकतंत्र है, सबकी बात सुननी पड़ती है। चीन में न कोर्ट है न पार्लियामेंट, सरकार ने जो फैसला कर दिया उसके खिलाफ न अपील की गुंजाइश है न दलील की। चीन में न तो ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों की बात सुनी जाती है, न पर्यावरण के नारे लगाने की छूट दी जाती है। अगर उन्हें लगे कि विकास के लिए लोगों के घर उजाड़कर उन्हें दूसरी जगह बसाना हो तो चीन की सरकार एक पल के लिए भी नहीं सोचती और न कोई इसका विरोध कर सकता है। लेकिन हमारे यहां मसला भले ही देश की सुरक्षा से जुड़ा हो, लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं। हमारे देश में ये कहने वाले हजारों लोग मिल जाएंगे कि देश की सिक्योरिटी से ज्यादा पेड़ जरूरी है। दुश्मन भले ही हमारे ऊपर हमला कर दे, भले ही हमारे फौजियों को सर तक पहुंचने के लिए नाको चने चबाने पड़े, लेकिन पेड़ नहीं कटने चाहिए। सवाल है क्या देश को बचाना जरूरी है या पेड़ बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं नहीं कहता कि पेड़ काटने चाहिए, मैं ये भी नहीं कहता कि पहाड़ काटने चाहिए, पर ये सारे नियम सामान्य हालात के लिए हैं, नॉर्मल सिचुएशन के लिए हैं। जब देश की सुरक्षा खतरे में हो, जब दुश्मन सामने खड़ा ललकार रहा हो, वो तैयारियां कर रहा हो, तो फौज को आगे बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए। मुल्क की हिफाजत सबसे ऊपर है। मैं सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करूंगा कि आज उन्होंने अच्छे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा क्या हम सीमा पार चीन की तैयारियों की अनदेखी कर दें। कोर्ट ने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है, उसके बाद पेड़ों की कटाई पर रोक का सवाल आता है, लेकिन लोग सिक्योरिटी से जुड़े मसलों को कोर्ट ले जाने में परहेज नहीं करते। यह तो एक उदाहरण है जो मैंने आपको दिखाया। और हमारे देश में तो सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सियासत करने में भी लोग गुरेज नहीं करते। आज फिर यह हुआ, राफेल का मुद्दा एक बार फिर थैली से बाहर आया। अब तक राफेल की डील को लेकर कांग्रेस हमलावर होती थी, लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया, बड़ा इल्जाम लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के जमाने में राफेल डील इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि गांधी नेहरू परिवार डील में मिलने वाले कमीशन से खुश नहीं था। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया, 10 जनपद को करप्शन का एड्रेस बताया। असल में फ्रेंच पोर्टल मीडिया पार्ट ने एक खबर छापी कि भारत और फ्रांस सरकार के बीच 126 राफेल फाइटर जेट्स का जो सौदा होना था उसमें किकबैक्स दिए गए थे। दसा एविएशन की तरफ से कमीशन दिया गया था। 2007 से 2012 के बीच कमीशन के तौर पर मिडिलमैन सुशेन गुप्ता को 65 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ। रिपोर्ट कहती है कि दसों कंपनी ने झूठे बिल बनाकर मॉरिशस की कंपनी इंटरस्टेलर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जरिए सुशेन गुप्ता की एक शेल कंपनी इंटरडेव
प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 7.5 बिलियन यूरो की कमीशन दी थी। अब इसी खुलासे के बाद बीजेपी हमलावर हो गई, बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि जिस सुशेंद्र गुप्ता की बात हो रही है उसका नाम ऑगस्टा वेस्टलैंड वीवीआईपी चौपर डील के घोटाले में भी आया था और यह कोई इत्तफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे बड़ी साजिश है। संबित पात्रा ने कहा कि 65 करोड़ का कमीशन कहां कहां पहुंचा इसकी जांच होनी चाहिए। आज राहुल गांधी, शायद वो हिंदुस्तान में नहीं है, मैंने अभी अखबारों में पढ़ा शायद वो इटली में है। इटली से राहुल गांधी जवाब दें। जो भ्रम फैलाने की कोशिश राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इतने वर्षों तक किया है, आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। अग्रीमेंट फॉर कमीशन, कांग्रेस के कालखंड में एग्रीमेंट फॉर परचेस तो हमने देखा नहीं, नेगोशिएशन को कंक्लूड होते हुए देखा नहीं, मगर वेल यस, देयर वाज अ अग्रीमेंट ऑन कमीशन। आप सोच के देखिए, कमीशन इज पेबल एट द रेट ऑफ 40%, कोई 2%, कोई 4% का घोटाला नहीं। राहुल गांधी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव ब्रोकन रिकॉर्ड्स ऑफ कमीशन। सोनिया जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, विश्व में कमीशन के रिकॉर्ड को आपने तोड़ा है। 40% के रेट से हम कमीशन लेंगे, ये कमीशन की एग्रीमेंट है और आप झूठ बोल रहे थे इतने सालों तक। उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा था, उल्टा चोर चौकीदार पे बरसे। इसके बाद संबित पात्रा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम लेकर कहा कि परिवार कमीशन से संतुष्ट नहीं था, इसीलिए कांग्रेस के जमाने में डील नहीं हो पाई। संबित पात्रा ने कांग्रेस को एक नया नाम दे दिया और कहा कि कांग्रेस के जमाने में करप्शन के एड्रेस के तौर पर 10 जनपद होता था। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस को रीनेम किया जाए और कहा जाए कि INC का अर्थ इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, INC का अर्थ है आई नीड कमीशन। बिना कमीशन के ये कुछ नहीं करते हैं। आई नीड कमीशन, सोनिया गांधी कहती है आई नीड कमीशन, राहुल गांधी कहते हैं आई नीड कमीशन, प्रियंका वाड्रा आई नीड कमीशन, रॉबर्ट वाड्रा आई नीड कमीशन। ये INC मतलब आई नीड कमीशन, और ये सिलसिला कोई आज का नहीं है, जब से कांग्रेस पार्टी है तब से आई नीड कमीशन है। जीप घोटाला नेहरू जी के समय याद करिए, घोटाला कमीशन का घोटाला था, उसके बाद बोफोर्स घोटाला कमीशन का घोटाला, एयरबस घोटाला कमीशन का घोटाला, HDW सबमरीन घोटाला कमीशन का घोटाला, VVIP ऑगस्टा वेस्टलैंड कमीशन का घोटाला, टेट्रा ट्रक कमीशन का घोटाला। जहां कमीशन वहां कांग्रेस, हर डील के अंदर एक डील था और फिर भी डील नहीं हो पाती थी। आप सोच के देखिए, 65 करोड़ से अधिक रुपए लेने के पश्चात भी ये जो नेगोशिएशंस हो रहे थे, ये नेगोशिएशन फुलफिल नहीं हो पाए क्योंकि इतने में परिवार संतुष्ट नहीं थी। कौन कहता है कि भ्रष्टाचार का ठिकाना नहीं होता है? भ्रष्टाचार का भी ठिकाना है, भ्रष्टाचार का पता है 10 जनपद। अब मैं आपको इस मामले में कांग्रेस का पक्ष सुनवाता हूं। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने जवाब दिया और कुछ सवाल भी किए। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि जब कांग्रेस के जमाने में डील ही नहीं हुई तो फिर कमीशन का सवाल कहां उठता है। और इसके बाद पवन खेड़ा ने कहा इस मामले की जांच होनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए कि राफेल डील में गड़बड़ी के सबूत होने के बाद भी CBI और ED जांच से पीछे क्यों हट गए, उन्हें किसने रोका, और ये सारी बातें तब सामने आएंगी जब जांच के लिए JPC का गठन होगा। ईडी ने जो कागज रिकवर किए, बरामद किए सुशेंद्र गुप्ता के घर से, उसमें स्पष्ट था कि सुशेंद्र गुप्ता रक्षा मंत्रालय से गोपनीय कागज ले रहा था और 2015 की तारीख थी उन कागजों पे, 16 की तारीख थी और दसों को दे रहा था। नंबर 4,
सुशेन गुप्ता के पास जो बरामद कागज थे उनमें से एक नोट था जिसमें वो जून 2014 का नोट था जिसमें वो कह रहा था दसों को कि मैं आपकी मीटिंग करा सकता हूं नेतृत्व से। नंबर 5, अटॉर्नी जनरल मॉरिशियस ने सीबीआई को कुछ फाइलें दी थी, कागज दी थी सुशेन गुप्ता का जो भूमिका थी रफेल में उसको लेकर, ये भी 2018 की अक्टूबर में हुआ था। आपने सीबीआई को यह नहीं कहा कि सुशेन गुप्ता पर इंक्वायरी की जाए, आपने सीबीआई डायरेक्टर को हटा दिया और उसके कार्यालय में रेड डाली। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं, सौदा आपके सरकार के तहत हुआ, हमारी सरकार के तहत सौदा नहीं हुआ था, सारे आरोप आपकी सरकार के ऊपर लग रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आपकी सरकार के खिलाफ है, बरामद कागजों में आपकी सरकार का क्या प्रधानमंत्री का एक तरह से नाम है, उसके बाद भी आपको शर्म नहीं आती कि आप कांग्रेस पर आरोप लगाते हो। हम फिर से दोहरा रहे हैं, एक निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, जेपीसी की आवश्यकता है, और यह मांग हम पहले भी 5 साल से लगातार बोलते आ रहे हैं। कौन डर रहा है मांग से? सरकार। अब यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार के वक्त राफेल डील करीब करीब फाइनल हो चुकी थी। आखिरी वक्त पर एक एंटनी ने कुछ क्लॉजेस पर दोबारा विचार करने की बात कहकर डील पर रोक लगा दी थी। असली वजह क्या थी कोई नहीं जानता। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई, हमारी एयरफोर्स लंबे वक्त से मॉडर्नाइजेशन की मांग कर रही थी, फाइटर जेट्स खरीदने की फाइल 11 साल से सरकारी दफ्तरों में घूम रही थी, इसलिए नरेंद्र मोदी ने तेजी दिखाई, राफेल डील को फाइनल किया और ये डील गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील हुई और अब राफेल इंडो चाइना बॉर्डर पर तैनात है। इससे पहले 75 साल के इतिहास में न तो इतनी जल्दी कोई डिफेंस डील हुई, ना इतने कम वक्त में डिलीवरी हुई। अब चूंकि राहुल गांधी ने राफेल डील पर संदेह पैदा करने की कोशिश की थी, इसे चुनावी मुद्दा बनाया, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, साफ साफ कहा कि किसी लेवल पर गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं है। नरेंद्र मोदी के बारे में आप 10 तरह की बातें कह सकते हैं लेकिन उन पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते। कोई नहीं कह सकता कि मोदी फायदा उठाने के लिए या किसी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई डील कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मोदी पर जी भर कर इल्जाम लगाए, राफेल के बारे में न जाने क्या क्या कहा, लेकिन जनता ने उनके बात का भरोसा नहीं किया। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भरोसा किया, सीएजी का भरोसा किया, मोदी पर यकीन किया। मेरा यह कहना है कि देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सोच समझ कर इल्जाम लगाने चाहिए, सबूत पुख्ता हो तभी सवाल उठाने चाहिए। देश की सुरक्षा से जुड़े सवालों पर सियासत ना हो तो बेहतर होगा। आज बिहार से एक परेशान करने वाली खबर आई, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 लोग मौत से लड़ रहे हैं। 2 दिन पहले गोपालगंज, बेतिया और समस्तीपुर में भी जहरीली शराब पीने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। बिहार में जहरीली शराब से मौत की खबरें अक्सर आती हैं लेकिन अचानक इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत से जनता में जबरदस्त नाराजगी है। लोगों का कहना है कि जब बिहार में शराबबंदी है, शराब पर पाबंदी है, तो फिर जहरीली शराब कहां से आ रही है, घर घर शराब कैसे पहुंच रही है। आज मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि बिहार में कितने बड़े पैमाने पर शराब बन रही है और बिक रही है। असल में 44 लोगों की मौत के बाद जब लोगों का गुस्सा फूटा तो पुलिस एक्टिव हुई, बिहार में अलग अलग इलाकों में रेड शुरू हो गए। अब हालत यह है कि हाजीपुर, पटना, गोपालगंज, समस्तीपुर, मधुबनी, बेतिया समेत कई और जिलों में पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट की टीम शराब की भट्टियों की खोज कर रही है। शराब से भरे ड्रम्स को जमीन से खोद खोद कर निकाला जा रहा है। कुछ जगहों पर बाकायदा देसी शराब बनाने के लिए फैक्ट्री जैसा इंतजाम था, केमिकल, यूरिया सब मौजूद था। हैरानी की बात तो यह कि बिहार की राजधानी पटना में जब रेड की गई तो पता चला चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के सरकारी रेजिडेंस से सिर्फ 4-5 किलोमीटर की दूरी पर, मुख्यमंत्री के घर से 4-5 किलोमीटर दूर शराब की भट्टियां बनी हुई थी। कई जगह तो भट्टियां जल रही थी, उन पर शराब तैयार हो रही थी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र और कैमरा पर्सन विनोद कुमार भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नीतीश ने बताया कि ज्यादातर जगहों पर जमीन के अंदर ड्रम्स में भरकर शराब छिपाई गई थी। इंडिया टीवी के कैमरे के सामने ही पुलिस ने कई भट्टियों को खत्म कर दिया, सारा सामान फेंक दिया। चूल्हे जो आपको जलते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन सबों पर शराब तैयार की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर एक चूल्हा है,
और दूसरी तरफ अंदर भी एक चूल्हा है। यहाँ देखिए एक साथ कई यहाँ पर चूल्हे चल रहे हैं और इन सबों में शराब तैयार की जा रही है। किस तरह से पटना में ये सब कुछ हो रहा था ये आप देखिए। यहाँ देखिए एक और चूल्हा और इसमें भी किस तरह से शराब यहाँ तैयार की जा रही है। ये एक खास तरीका है बनाने का इसका और उस तरह से यहाँ पर शराब तैयार की जा रही है। ये क्या है, किस तरह से बनाया जा रहा है? मशीन है दारू बनाने वाला, इसमें जावा महुआ है। हाँ? इसमें वो होगा आपको मशीन जो फिल्टर होके पानी उसमें से ठंडा होके बाष्प बन के वहाँ दारू निकल रहा है। अच्छा, यानी ये जो सबसे नीचे है वो अंतिम रूप से तैयार हुआ। अच्छा, इसमें क्या रखा हुआ है? वही जावा महुआ केमिकल लोग रखता है। अच्छा, और इसके अंदर ये जो ऐसे पाइप बना हुआ है इसका क्या मकसद है? भाप बन के निकलता है उससे और उस ड्रम में जो पानी है ना वहाँ से फिर वाष्प बन के पानी बन के निकल जाएगा बाहर। ये देखिए ये गुड़ है, ये शक्कर है और शराब बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हर तरह का जो रॉ मटेरियल है कहें वो सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए एक साथ कई डब्बे और सब जमीन के नीचे, ये देखिए सब में शराब तैयार की जा रही है। और यहाँ ये तो काफी सड़ा हुआ ऐसा दिख रहा है। सड़ा हुआ है तो ये तो काफी खतरनाक होगा पीने में। इसमें क्या कहा जाए, ये देखिए एक बार कितने गड्ढे निकल रहे हैं, एक बार गड्ढे के नीचे कितने डब्बे निकल रहे हैं। आप जहाँ पैर रखे हैं वहाँ भी, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ भी संभवतः होगा। ये देखिए मेरे पैर के नीचे यहाँ भी एक डब्बा है, मतलब इस पूरे इलाके में डब्बे भरे हुए हैं, हर जगह शराब तैयार हो रही है। यहाँ देखिए इधर भी जो माही जो कि ट्रेन डॉग है उसने ये बताया है कि यहाँ पर भी डब्बे हैं और उसके बाद देखिए यहाँ भी डब्बे मिल रहे हैं। भारी मात्रा में शराब यहाँ तैयार किया जा रहा था और आप देखिए जो चूल्हे हैं उन चूल्हों को अब नष्ट किया जा रहा है। इस तरह की जो भट्टियां हैं इस पर जिस तरह के बर्तन रखे होते हैं, खास तरह का बर्तन होता है जिसमें कटिंग इस तरह से की जाती है जो शराब बनाने में सहायक होती है। और आप देखिए किस तरह से ये खोलता हुआ जो रॉ मटेरियल है इनका, ये अब यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए काफ़ी संख्या में जो रॉ मटेरियल है जो तैयार हो रहा था उसे यहाँ पर नष्ट किया जा रहा है। ये सही है कि पुलिस रेड कर रही है, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग शराब की भट्टियों को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन इस पर यकीन करना मुश्किल है कि शराब की इन भट्टियों के बारे में पुलिस को और एक्साइज डिपार्टमेंट को पहले से जानकारी नहीं होगी। बिहार में 6 साल से शराब पर पाबंदी है। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं। इसके बाद भी अगर राजधानी पटना में चीफ मिनिस्टर के सरकारी घर से 4 किलोमीटर की दूरी पर शराब की भट्टियां लगी हों, बड़े पैमाने पर शराब बन रही हो, तो कौन यकीन करेगा कि पुलिस की मिलीभगत नहीं है? कौन कहेगा कि मुख्यमंत्री की पॉलिसी सफल हो रही है? हैरानी की बात है कि पटना के सिर्फ एक इलाके में नहीं, कई इलाकों में कच्ची शराब बनती मिली और बिकती मिली। एक पूरा का पूरा सिंडिकेट एक्टिव है और पुलिस को पब्लिक के प्रेशर में एक्शन लेना पड़ा। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र पटना के LCT घाट पर भी पहुंचे। ये जगह तो एक अणे मार्ग से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है, गंगा किनारे का इलाका है, सामने पॉश सोसाइटी है, लेकिन कच्ची बस्ती में देसी शराब बेचने का धंधा हो रहा था। पता ही चला कि गंगा पार यानी दूसरी तरफ से प्लास्टिक की थैलियों में भरकर शराब लाई जाती थी और फिर इसे बेचा जाता था। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हुई मौतों के बाद पुलिस एक्शन में है, लगातार छापेमारी अभियान चल रहा है। ये गंगा नदी के ठीक किनारे का हिस्सा है और नाव के जरिए यहाँ तक शराब पहुँचती है दूसरी तरफ से और फिर लोग यहाँ छिपा कर रखते हैं और ये कारोबार करते हैं। देसी शराब की बरामदगी लगातार हो रही है, खास तौर पे जो ट्रेंड ये डॉग हैं उन्हें शराब ढूंढने का प्रशिक्षण दिया गया है और यही कारण है कि उनकी मदद ली जा रही है। यहाँ पर देखिए एक जगह अभी कुत्ते ने इशारा किया और देखिए यहाँ पर बरामद हुआ, ये देसी शराब का पाउच है। कुत्ते ने यहाँ पर इशारा किया और जैसे ही यहाँ तलाशी ली गई बोरे के अंदर देखिए देसी शराब की बरामदगी हुई है। ये कितना होगा करीब, लगभग 20 लीटर का क्यों है? 15 लीटर का है। ये डॉग जो है ट्रेंड है इसके लिए क्या? हाँ, ट्रेंड है।
यहाँ पर क्या इशारा किया इसने? सुन के बैठ जाता है, जो है इनके साथ में उनको इशारा करता है। दारू भर, अच्छा इसमें भर कर लाते हैं नाव के जरिए और फिर इसको किसी पाउच में रख देते हैं? नहीं, इसी में बांध देता है। ये सारा क्या ट्यूब है? ट्यूब है। ये खास तौर पर बनाया गया है? पुराना ना बनाया गया है, ट्रक का जो टायर का ट्यूब है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इतनी सारी जो आप बड़ी बड़ी पॉलिथीन देख रहे हैं, इसमें सब देशी शराब है। ये सारी बरामदगी सिर्फ कुछ घरों से हुई है। ये पटना का LCT घाट है, आप देखिए ठीक सामने एक बड़ा अपार्टमेंट आपको दिखा रहे हैं, गंगा टावर है, पटना का काफ़ी पॉश इलाका, और वहाँ ठीक सामने में नदी के किनारे ये सब हो रहा था। और दूसरे हिस्से में भी अभी जो स्क्वाड की टीम के लोग हैं वो इधर आए हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए किस तरह से बॉटल में भरी हुई है, कह सकते हैं कि देसी शराब का भंडार है यहाँ पर इस पूरे इलाके में। किस तरह से देखिए बॉटल्स में, ये जो देखिए किस तरह से बॉटल्स में भरे हुए हैं, ये सब वही देसी शराब है। देसी शराब ही है। आप देखिए इस घर में कोई नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, और यहां भी मिला है। हकीकत यह है कि बिहार में कागजों पर शराब पर पाबंदी है, लेकिन हर शहर में, हर गांव में, हर कस्बे में शराब मिलती है। लोग शराब पीकर मर रहे हैं, और यह खुलासा कोई आज तो नहीं हुआ। पिछले साल दिसंबर में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि बिहार में शराब पर टोटल बैन के बावजूद, ड्राई स्टेट होने के बावजूद, बिहार में शराब पीने वालों की संख्या महाराष्ट्र से ज्यादा है। महाराष्ट्र में शराब पर पाबंदी नहीं है, रोक नहीं है। इसके बाद में महाराष्ट्र में कुल 13.9% लोग, 13.9% लोग शराब पीते हैं, लेकिन बिहार में बैन के बावजूद 15.5% लोग शराब पी रहे हैं। और इसमें भी गांव देहात में शराब पीने वालों की संख्या ज्यादा है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि गांव के लोगों को चोरी छिपे देसी शराब मिल जाती है। और ये शराब बनती कैसे है, इसकी कुछ और तस्वीरें पटना के रूपसपुर इलाके से सामने आई। नाले के पास झुग्गी झोपड़ी में शराब तैयार हो रही थी, जहां गंदगी का अंबार लगा था, वहां मिट्टी के नीचे छोटे छोटे गड्ढों में शराब भर कर रखी गई थी। ये चूल्हे इस तरह के यहाँ पर हैं, बर्तन है, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से डब्बे जो हैं गड्ढे में छिपा कर रखे गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 गड्ढे हैं। ये गड्ढे बनाए गए होंगे इसी शराब को तैयार करने के? हाँ हाँ, शराब तैयार करने। अभी ये खाली है, इसका मतलब इसमें रखना था इनको? हाँ रखना था, रखना निकाल लिया है। सब सड़ाने के लिए ये रखते हैं ना? पाएगा? इसी में महुआ सड़ाता है। यहाँ पर आप देखिए जो इस तरह के ढक्कन नजर आ रहे हैं, इस तरह के ढक्कन मिट्टी से ढक दिए जाते हैं, और अंदर आप देखिए किस तरह से यहाँ पर शराब तैयार की जा रही है। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है उसका, उसको सड़ाया जा रहा है। यहाँ हर जगह पर इस तरह के ढक्कन, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी एक गड्ढा बनाया गया है, इसके अंदर एक प्लास्टिक का बड़ा जार है, यहाँ भी ढक्कन हमें दिख रहा है, देखिए यहाँ भी है, इसके अंदर भी आप देखिए शराब तैयार की जा रही है। जैसे ही पुलिस आई उसके पहले यहाँ जो लोग थे वो फरार हो गए, और देखिए किस तरह से उन्होंने पुलिस के आने के ठीक पहले जो सिलेंडर है जिससे वो काम कर रहे थे, जिस सिलेंडर के जरिए उनका चूल्हा चल रहा था, उस सिलेंडर को इन्होंने पानी में फेंक दिया। एक फ्लाईओवर है यहाँ पर, इसी फ्लाईओवर के ठीक नीचे जो नाला है, उस नाले के किनारे बसे हुए जो लोग हैं वो ये कारोबार करते हैं। बिहार में जब जहरीली शराब से लोगों की मौत हुई, तब नीतीश कुमार ने कहा था इसमें सरकार क्या करे, अगर लोग जहरीली शराब पियेंगे तो मरेंगे। ये बयान संवेदनहीन था। हालांकि इसके बाद नीतीश कुमार ने अफसरों को निर्देश दिया कि शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई करें, अफसरों की जिम्मेदारी तय हो। इसी के बाद एक्शन में तेजी आई। कहां पर यह सब इंसिडेंट हो रहा? कई जगह पर तो रोज पकड़ाता है, लेकिन जहां पर नहीं पकड़ाता तो मान लीजिए कि अगर कोई कहीं बाहर से आ रहा है और अगर वो पकड़ाया 4 जिले के बाद 2 जिले के बाद 1 जिले, वहां क्यों नहीं पकड़ाया? कोई चीज आ रहा वहां क्यों नहीं देखा? तो हमने ये बात कह दिया है सब लोगों को, DGP को, चीफ सेक्रेटरी को, सब लोगों को ये बात कह दिया, संबंधित अधिकारियों को, कि इस पर एक एक चीज पर नजर रख लीजिए कि कौन नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, क्यों इस तरह से हो रहा। हालांकि प्रतिदिन अनेक जगहों पर लोग पकड़ा रहे हैं भाई, अगर मन से कहा कि लोगों को डर पैदा खत्म हुआ है क्या, तो एक एक चीज का तो सब कह दिया हमने, सब एनालिसिस कर रहे हैं।
बिहार में शराबबंदी का सिर्फ एक असर हुआ है, शराब महंगी मिलने लगी है, जहरीली शराब पीने से लोग ज्यादा मरने लगे हैं। यह इसलिए हुआ क्योंकि पीने वाले वही हैं, पिलाने वाले वही हैं, शराब बनाने वाले वही हैं, सिर्फ कानून बदला है। लेकिन कानून का पालन करने वाली पुलिस भी वही है, प्रशासन भी वही है। मुझे लगता है इससे ज्यादा सीधी और साफ बात और क्या कही जा सकती है। बिहार में जब शराबबंदी का कानून लागू हुआ था तो मुझे याद है 2016 में जहरीली शराब से मौत का पहला केस गोपालगंज से ही आया था, 19 लोगों की मौत हुई थी। यह केस इसलिए याद है क्योंकि कुछ महीने पहले ही इस केस में जजमेंट आया था, 13 दोषियों में से 9 को फांसी और 4 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन इतनी कठोर सजा से भी जहरीली शराब का धंधा तो बंद नहीं हुआ। गोपालगंज में ही 3 दिन पहले जहरीली शराब से 21 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी वजह है कि कानून लागू करने से पहले लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, किसी ने यह समझाने की कोशिश नहीं की कि शराब की लत लगने से कितना नुकसान हो सकता है। शराब जिन लोगों की आदत बन गई है उन्हें कानून का डर दिखाकर रोका नहीं जा सकता। जागरूकता फैलाने के लिए धर्मगुरुओं और समाजवादी संस्थाओं की, समाज सेवी संस्थाओं की मदद ली जाती तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी माहौल को पूरी तरह से गर्म कर दिया है। योगी आदित्यनाथ पिछले 15 दिन से रैलियां कर रहे हैं और आज अखिलेश यादव और मायावती भी मैदान में दिखाई दिए। योगी ने आज 3 जगहों पर पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। अखिलेश यादव ने नोटबंदी दिवस मनाया, मायावती ने मीडिया से बात की। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाता हूं आज योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बारे में ऐसा क्या कहा कि उन्हें परेशानी हो गई। पहले नौजवानों के लिए नौकरी के लिए कोई सरकारी नौकरी निकलती थी, एक खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था और उस खानदान में तो महाभारत के सभी रिश्ते थे, काका भी थे, चाचा भी थे, नाना भी थे, मामा भी थे, भांजे भी थे, भतीजे भी थे, बबुआ भी था और बुआ भी थी, ये सभी रिश्ते थे और वे सब वसूली के लिए निकल पड़ते थे। एक गरीब बेचारा जिंदगी भर की कमाई का पैसा बेटे की नौकरी के लिए देता था, न्यायालय स्टे कर देता था, पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। लेकिन 4.5 वर्ष के दौरान भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हमारी सरकार ने दिया है। अखिलेश यादव ने आज एक नया काम किया, उन्होंने समाजवादी इत्र लॉन्च किया और कहा कि समाजवादी सुगंध नाम का यह इत्र यूपी में फैली नफरत को खत्म करेगा। क्योंकि दुनिया भर में कन्नौज का इत्र मशहूर है इसलिए अखिलेश यादव ने यह समाजवादी इत्र कन्नौज से समाजवादी पार्टी के MLC पुष्पराज जैन पम्मी से तैयार करवाया है। और ये परफ्यूम लॉन्च करने के बाद अखिलेश यादव ने कहा योगी आदित्यनाथ को भी इत्र भिजवाएंगे जिससे उनकी नाराजगी थोड़ी कम हो। अखिलेश ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से रोज रोज उनके खानदान पर अटैक करते हैं वो एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। अपने खानदान के पास चले जाएं मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश का भला हो जाएगा। कम से कम मुख्यमंत्री जी को ये भाषा नहीं बोलनी चाहिए और पहली बार नहीं बोल रहे, वो कई बार बोल चुके हैं खानदान। अब किसे खानदान याद आएगा, किसको माँ बाप याद आते हैं आखिरी में, किसको याद आते हैं। तो अब ये मुख्यमंत्री जी जाने वाले हैं। आज बहुत दिनों के बाद मायावती सामने आई लेकिन उन्होंने बात वही कही जो पहले कई बार कह चुकी हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में अंदर ही अंदर डील हो गई है, दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश कर रही हैं। यूपी की जनता को ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भाजपा खासकर यूपी में अपनी जन विरोधी नीतियों व द्वेषपूर्ण कार्यकलापों एवं सरकार की घोर विफलताओं पर पर्दा डालने तथा इन पर से लोगों का ध्यान बांटने के लिए भी यहाँ विशेषकर सपा आदि से अंदरूनी मिलीभगत व सांठगांठ करके जिन्ना व अयोध्या पुलिस फायरिंग जैसे अनेकों
नए नए गड़े हुए सांप्रदायिक व धार्मिक मुद्दों को उठाने का भी पूरा पूरा प्रयास कर रही है, ताकि ये जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम हो जाए। ये इन दोनों पार्टियों का अंदर अंदर ये प्रयास चल रहा है, जो स्वाभाविक तौर पर ये सपा व भाजपा आदि को आपसी लाभ पहुंचाने की नीयत से इनकी स्वार्थ की राजनीति को पुनः उजागर करता है। मैं हैरत में हूं कि मायावती को कौन ऐसी बातें कहने की सलाह देता है, कौन इस बात पर यकीन करेगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव आपस में मिले हुए हैं, कौन इस बात पर यकीन करेगा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में डील हो गई है कि इलेक्शन को पोलराइज किया जाए। इन बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।